हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट बाइक्स फॉर लॉन्ग राइड्स। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ऐसी बाइक्स बताने के लिए जो कि लॉन्ग राइड्स में काफ़ी अच्छी रहेगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते होंगे, लॉन्ग राइड्स में आपको मेनली यहाँ पे फ्रेंड्स चार इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है फ्रेंड्स कम्फर्ट, दूसरा है परफॉर्मेंस, तीसरा है मेंटेनेंस और चौथा है फीचर्स। तो ये सब चीज़ फ्रेंड्स आपको एक बाइक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप बाइक से लॉन्ग राइड्स करने का सोच रहे हैं। तो ऐसे तो फ्रेंड्स आप लगभग सभी बाइक से लॉन्ग राइड्स कर सकते हैं, बट देखा जाए फ्रेंड्स तो काफ़ी ऐसे एरियाज़ है, हिली एरियाज़ वगैरह हो गए, जैसे लेह लद्दाख वगैरह हो गया, या इस टाइप के और भी जितने भी एरियाज़ है जहाँ पे आप लॉन्ग राइड्स का अगर प्लान बना रहे हैं, तो ये सब फीचर्स अगर आपको देखने को मिलता है बाइक में तो काफ़ी कंफर्टेबली आप बाइक से जो है वो राइड कर पाएंगे। तो चलिए अब अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें फ्रेंड्स मैंने टॉप 5 बाइक्स को इंक्लूड किया है जो कि 2021 में भी आपको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैं सभी का आपको ऑन रोड प्राइसिंग बताऊंगा और फीचर्स भी बताऊंगा। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप पूरा देख ले, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें ताकि आपकी कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट की नंबर 5th बाइक के बारे में, जो कि रहने वाला है जावा की तरफ से, जावा 42 एंड जावा स्टैंडर्ड। तो जावा 42 और जावा स्टैंडर्ड जो है फ्रेंड्स, ये जावा की तरफ से काफ़ी अच्छी ऑफरिंग है। और देखा जाए फ्रेंड्स तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है जिनका कि फ्रेंड्स हाइट थोड़ा कम है, मतलब शॉर्ट हाइटेड जो पर्सन है उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल ऑप्शन हो जाता है। इसमें आपको 765 mm का ही सीट हाइट देखने को मिलता है। तो अगर आपकी हाइट 5'3" या उससे अबव है तो फ्रेंड्स आप काफ़ी ईजिली इस बाइक को मैनेज कर पाएंगे, मतलब आप इस बाइक से भी लॉन्ग राइड्स वगैरह कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लेते हैं ओवरऑल इसमें आपको कितने वेरियंट्स देखने को मिलता है और क्या कुछ प्राइजिंग है, तो इसका स्टैंडर्ड जो वेरियंट है इसमें आपको टोटल 2 वेरियंट देखने को मिलता है, जिसका कि प्राइजिंग फ्रेंड्स आपको मिलेगा 2,03,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में सिंगल डिस्क वेरियंट का, और 2,14,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में आपको डुअल डिस्क वेरिएंट का। तो ये ऑन रोड प्राइजेस है, हो सकता है आपके एरिया में थोड़ा सा ऑन रोड प्राइसिंग में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे जो आरटीओ और इंश्योरेंस के चार्जेस होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। और अगर हम बात करते हैं जावा 42 2.1 का, तो इसका जो प्राइसिंग है वो लगभग में आपको 2,10,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में देखने को मिलता है। तो ये सभी फ्रेंड्स BS6 वेरियंट्स का मैं आपको प्राइजेस बता रहा हूँ। अगर बात कर लेते हैं इसके इंजन ऑप्शन वगैरह के बारे में, तो इसमें फ्रेंड्स आपको 293 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्टॉप DOHC फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा पावर प्रोड्यूस करता है, 27.33 bhp का, और टॉर्क आपको प्रोड्यूस करता है 27.02 Nm का। इसमें फ्रेंड्स कंपनी आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स का सेटअप प्रोवाइड करती है और ये डुअल चैनल ABS के साथ आता है। इसमें फ्रेंड्स आपको ट्विन बैरल एग्जॉस्ट भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है इस बाइक को। और अगर हम बात कर लेते हैं इसके माइलेज के बारे में, तो फ्रेंड्स ये आपको 30 से 35 के अप्रॉक्स में माइलेज जो है वो ऑफर कर देगा। माइलेज आपकी राइडिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है, आप जिस हिसाब से बाइक को मेंटेन करेंगे, जिस स्पीड से आप राइड करेंगे, जैसे ही आप अपनी बाइक को मेंटेन करके रखेंगे उस हिसाब से फ्रेंड्स बाइक आपको माइलेज डिलीवर करेगा। अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ओवरऑल इसके लुक्स वगैरह के बारे में, तो फ्रेंड्स इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। अगर आप इसके पहले वेरिएंट BS4 वेरिएंट से इसे कंपेयर करते हैं तो कंपनी ने काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंजेस किया है। और इसमें फ्रेंड्स आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स, रियर में फ्रेंड्स आपको इसमें ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलता है। इसका जो वेट है वो 172 kg के वेट के साथ आता है। इसमें फ्रंट में आपको 90x90 का 18 inch का टायर और रियर में आपको 120x80 का 17 inch का टायर देखने को मिलता है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल का मीटर कंसोल देखने को मिलता है। कंपनी इसमें फ्रेंड्स आपको हेलोजन में लाइट्स ऑफर करती है, बल्ब में इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स ये भी जावा की तरफ से, और ये हमारी लिस्ट की नंबर 5th बाइक थी। अगर हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट की नंबर 4th बाइक के बारे में, तो वो रहने वाला है फ्रेंड्स KTM एडवेंचर 390। तो KTM एडवेंचर 390 फ्रेंड्स एक फुल्ली फीचर लोडेड बाइक है KTM के तरफ से। अगर आप स्पेशली एडवेंचर सेगमेंट की कोई भी बाइक परचेस करने का प्लान बना रहे थे तो आप इसके तरफ एक बार ज़रूर नज़र डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये भी। अगर हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसमें फ्रेंड्स आपको जो प्राइसिंग है वो लगभग में 3,60,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में देखने को मिलता है ऑन रोड। अगर हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स वगैरह के बारे में, तो इसमें कंपनी आपको काफ़ी कुछ फीचर्स ऑफर करती है। इसका इंजन का अगर हम बात करते हैं, तो इसमें इंजन जो है वो आपको 373.2 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्टॉक 4-वाल्व DOHC इंजन देखने को मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 43.5 bhp का और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 37 Nm का। और इसमें आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स का सेटअप देखने को मिलता है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो इसमें फीचर्स में फ्रेंड्स आपको स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है, स्विचेबल ABS कंपनी ऑफर करती है, इसमें आपको नेविगेशन का भी फीचर देखने को मिलता है, और भी फ्रेंड्स छोटे छोटे काफ़ी फीचर्स कंपनी इसमें आपको ऑफर करती है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके माइलेज के बारे में, तो फ्रेंड्स ये आपको 25 से 30 के अप्रॉक्स में माइलेज ऑफर कर देता है।
और इसके टायर्स का अगर हम बात करते हैं तो फ्रंट में इसमें आपको 100x90 का 19 इंच का टायर मिलता है और रियर में फ्रेंड्स आपको 130x80 का 17 इंच का टायर मिलता है। तो कंपनी इसमें फ्रंट में फ्रेंड्स आपको 19 इंच के टायर ऑफर करती है जिससे कि ऑफ रोडिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और अगर हम बात कर लेते हैं इसके डिस्क के साइज़ के बारे में तो इसमें फ्रंट में आपको 320mm का डिस्क ब्रेक, रियर में 230mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में तो कंपनी इसमें फ्रंट में आपको USD फोक्स प्रोवाइड करती है 43mm का और रियर में फ्रेंड्स आपको इसमें WP के एपेक्स के मोनोसॉक्स देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा आपको राइड क्वालिटी प्रोवाइड करता है ऑफ रोडिंग में भी और मतलब ख़राब सर्फेसेस पर भी काफ़ी अच्छा आपको इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसके सीट हाइट वगैरह के बारे में तो इसका जो सीट हाइट है वो 855mm का है। तो फ्रेंड्स ये जो बाइक है स्पेशली अगर आपकी हाइट 5'8" या उससे अबव है तब फ्रेंड्स आप इस बाइक को इजीली मैनेज कर पाएंगे क्योंकि इसका सीट हाइट फ्रेंड्स देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है 855mm का। अगर हम बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस का तो इसमें फ्रेंड्स आपको 200mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। सेगमेंट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छा इसमें आपको कंपनी ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल वगैरह के बारे में तो फ्रेंड्स इसमें कंपनी आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल ऑफर करती है, फुल्ली LED लाइट्स का इसमें आपको सेटअप देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा फ्रंट लुक और बैक लुक प्रोवाइड करता है इस बाइक को। तो ये थी फ्रेंड्स हमारे लिस्ट की 4th नंबर की बाइक। अगर हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट की 3rd नंबर की बाइक के बारे में तो वो रहने वाला है फ्रेंड्स रॉयल इनफील्ड की तरफ से रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। तो ये जो है ये फ्रेंड्स देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मतलब कॉमनली यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए बाइक लेने का सोच रहे हैं स्पेशली लॉन्ग राइड्स के लिए, लेह लद्दाख वगैरह का अगर आपको ट्रिप करना है तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये बाइक जो है ये आपको काफ़ी इजीली रेंट पे भी अवेलेबल है और इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको काफ़ी सारे वेरियंट्स देखने को मिल जाते हैं और इस बाइक का जो प्राइसिंग है वो 2 लाख रुपीज़ ऑन रोड से स्टार्ट होकर 2,30,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिलता है ऑन रोड। तो वेरियंट्स के मामले में इसमें कंपनी काफ़ी कुछ आपको ऑफर करती है। इसमें आपको स्पोक व्हील्स भी देखने को मिलता है, इसमें फ्रेंड्स आपको अलॉय व्हील्स भी देखने को मिलता है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में तो इसमें आपको 346cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्टॉक एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लाइंट इंजन कंपनी ऑफर करती है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 19.36 BHP का और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 28 Nm का। इसमें कंपनी आपको 5-स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप प्रोवाइड करती है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके माइलेज के बारे में तो इसका जो माइलेज है वो आपको लगभग में 35 से 40 के अप्रॉक्स में देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात कर लेते हैं इसके टायर वगैरह के बारे में तो इसमें फ्रंट में आपको 90x90 का 19 इंच का टायर और रियर 110x80 का 18 इंच का टायर देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा फ्रेंड्स इसमें आपको कंपनी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करती है। अगर बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग वगैरह के बारे में तो इसमें फ्रेंड्स आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है फ्रंट में 280mm के डिस्क ब्रेक के साथ और रियर में 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। कंपनी इसमें फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स प्रोवाइड करती है और रियर में फ्रेंड्स आपको ट्विन गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो इसमें फ्रेंड्स आपको 135mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, 800mm के अप्रॉक्स में सीट हाइट देखने को मिलता है और कंपनी फ्रेंड्स इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर्स प्रोवाइड करती है और फ्रेंड्स इसमें आपको एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये रॉयल इनफील्ड की तरफ से। अगर आपका बजट 2 लाख रुपीज़ के अप्रॉक्स में है तो आप इस बाइक को भी चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अपने लिस्ट की नंबर 2 बाइक के बारे में। तो नंबर 2 पे हमारे लिस्ट में जो बाइक आती है वो रहने वाली है फ्रेंड्स बजाज के तरफ से बजाज डोमिनार 400। तो ये भी काफ़ी अच्छा फ्रेंड्स प्रोडक्ट अभी बन गया है स्पेशली अगर आप लॉन्ग राइड्स वगैरह के लिए बाइक लेने का प्लान बना रहे थे। तो इसका जो प्राइसिंग है वो लगभग में आपको 2,45,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में देखने को मिलता है। कंपनी इसमें आपको एक ही वेरियंट प्रोवाइड करती है। इसके इंजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको 373.3cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्टॉक 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है जो कि फ्रेंड्स BS6 कंप्लाइंट है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके पावर फिगर्स के बारे में तो इसमें आपको 40 BHP के अप्रॉक्स में पावर और टॉर्क इसमें आपको 35Nm के अप्रॉक्स में देखने को मिलता है और ये 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके माइलेज वगैरह के बारे में तो फ्रेंड्स इसका जो माइलेज है वो आपको 25 से 30 के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा और इसमें कंपनी आपको फ्रंट में 110x70 का 17 इंच का टायर ऑफर करती है, रियर में 150x60 का 17 इंच का टायर ऑफर करती है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग वगैरह के बारे में तो कंपनी इसमें फ्रेंड्स आपको डुअल चैनल ABS प्रोवाइड करती है जिसमें कि फ्रंट में आपको 320mm का डिस्क ब्रेक, रियर में 230mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में तो इसमें फ्रेंड्स फ्रंट में आपको USD फोक्स मिलता है 43mm का और रियर में आपको फ्रेंड्स इसमें काफ़ी अच्छा मोनोसॉक्स देखने को मिलता है विथ नाइट्रोक्स।
अगर हम बात कर लेते हैं इसके वेट के बारे में, तो इसका जो वेट है वो 187 केजीज के अप्रॉक्स में, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 157 एमएम का है। तो अगर आपकी हाइट देखा जाए फ्रेंड्स, तो 5 फीट 6 इंच से लेकर 5 फीट 8 इंच के अप्रॉक्स में, तो आप काफ़ी इजली इस बाइक को मैनेज कर पाएंगे, काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है ये भी। तो ये था फ्रेंड्स हमारे लिस्ट का सेकंड बाइक। अगर हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट की नंबर वन बाइक के बारे में, तो उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी बाइक अपडेट्स आपकी मिस ना हो जाए, और वीडियो को फ्रेंड्स शेयर करें जहाँ पर भी आपको अच्छा लगता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा। वीडियो बनाने में फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत लगता है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर दें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट की नंबर वन बाइक के बारे में। तो वो रहने वाला है फ्रेंड्स रॉयल इनफील्ड की तरफ से, रॉयल इनफील्ड हिमालयन। तो हिमालयन एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स देखा जाए तो, अगर आप लॉन्ग राइड्स वगैरह करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हो जाता है अभी आपके लिए इंडियन मार्केट में। काफ़ी फ्रेंड्स यूट्यूबर्स लोग भी है जो यूज़ करते हैं हिमालयन को, और काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट भी है। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, बट धीरे धीरे कंपनी ने इसमें जो प्रॉब्लम्स है उसे काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर दिया है, और इसका जो BS6 मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड अप हो गया है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसमें आपको काफ़ी सारा वेरिएंट्स देखने को मिल जाता है। इसका जो प्राइसिंग है वो 237,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो गए, 245,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में जाता है। तो प्राइसिंग के हिसाब से भी ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में, तो इसमें आपको 411 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड SOHC इंजन देखने को मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 24.31 BHP का, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 32 NM का। इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप देखने को मिलता है। कंपनी इसमें फ्रंट में आपको 90x90 का 21 इंच का टायर प्रोवाइड करती है, और रेयर में फ्रेंड्स 120x90 का 17 इंच का टायर प्रोवाइड करती है। तो टायर्स फ्रेंड्स इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है 21 इंच का फ्रंट में, जिससे कि फ्रेंड्स देखा जाए तो ऑफ रोडिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओवरऑल में फ्रेंड्स बात किया जाए तो इसका जो अलॉय व्हील्स है वो आपको अलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिलता है, इसमें कंपनी आपको स्पोक व्हील्स प्रोवाइड करती है। और अगर हम बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कंपनी इसमें आपको डुअल चैनल ABS भी प्रोवाइड करती है, जिसमें कि फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक, रेयर में 240 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। और इसमें फ्रेंड्स आपको काफ़ी अच्छा फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाता है 41 mm का, जो कि 200 mm के ट्रैवल के साथ आता है। और रेयर में आपको मोनोसॉक्स मिलता है जो कि 180 mm के ट्रैवल के साथ आता है। तो इसमें काफ़ी अच्छा फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट बन जाता है स्पेशली ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बेस्ट इन सेगमेंट है 220 mm का। इसमें फ्रेंड्स आपको सीट हाइट जो है वो 800 mm के अप्रॉक्स में मिलता है। इसका जो वेट है वो 199 केजीज के अप्रॉक्स में है, और कंपनी इसमें आपको हेलोजन में लाइट्स प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है स्पेशली लॉन्ग राइड्स और ऑफ रोडिंग के लिए। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो जो है ये अच्छा लगा हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो इनमें से किसी भी बाइक्स के बारे में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, मैं वहाँ पर बाइक अपडेट्स रेगुलरली पोस्ट करते रहता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स, और आप अपने राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सी बाइक को परचेस करना पसंद करेंगे।